जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बनकर चौकीदार बैठे हैं। आइए दोस्तों शायर से मुलाकात करते हैं जो हाई कोर्ट का वकील है, एडवोकेट है, जिसने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी अपनी कौम के एहसासात को जगाने में और अपने कौम के एहसासात के लिए लड़ने में। अली जनाब, नजम हसन साहब का ताल्लुक सरजमीन प्रतापगढ़ से है, लेकिन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों और हमारी कौम की नुमाइंदगी करने वाला ये नौजवान शायर जब हाई कोर्ट में होता है तो ये हमारे हक में बात करता है, और जब मुशायरों में होता है तो ये हमारी हक में बात करता है और अपनी शायरी को हमारा हक बना देता है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तालियां बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अली जनाब नजम हसन साहब यहाँ माइक पर तशरीफ ला चुके हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए नजम हसन साहब अपनी शायरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तकरीबन 4-5 घंटे से देख रहा हूं कि आप सब बहुत बेताबी के साथ बैठे हैं, और ये आप सबकी मोहब्बतें हैं कि बार बार इधर से आवाज आ रही है अदनान प्रतापगढ़ी को सुनना है। आप सबको सलाम, आप सबकी मोहब्बतों को सलाम। आपने मेरे प्यारे भतीजे अदनान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए अपनी पूरी रात को कुर्बान किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। एक बार अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार मचल कर जो है तालियां बजा दें आप सब। दोस्तों यहाँ पर तमाम हमारे बिहार के दोस्त बैठे हैं, नेपाल के दोस्त बैठे हैं, एक बार जरा हाथ उठा करके बताएं कितने लोगों को अपने बिहारी होने पे फख्र है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बिहार वालों आपके हवाले से, और देखता हूँ कि आप कितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। पढ़ता हूँ 4 मिसरे, इरशाद भाई सुने। कोई टक्कर में है नहीं इनके, सुने आपकी बात आप तक पहुंचती है। कोई टक्कर में है नहीं इनके, ये अकेले ही 10 पे भारी है, ये अकेले ही 10 पे भारी है। पूरी दुनिया में तेरे चर्चे से बोलो हम बिहार। इतनी तालियां कमजोर, एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताएं कि फख्र से बोलो हम बिहारी हैं। इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने इतने अच्छे सामने से मुलाकात कराई। 4 मिसरे और पढ़ता हूं सुने। है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। वो गलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वो गलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता। बेवफा निकले नितेश कुमार, बेवफा निकले नितेश
नितेश कुमार बेवफा निकले नितेश कुमार बेवफा निकले नितेश कुमार हम सब तुमको क्या समझे थे तुम क्या निकले यार बेवफा निकले नितेश कुमार बेवफा निकले नितेश कुमार अच्छा नेता अच्छा राजा कहते थे सब पहले अच्छा नेता अच्छा राजा कहते थे सब पहले इतना रंग है बदला तुमने गिरगिट भी ना बदले इतना रंग है बदला तुमने गिरगिट भी ना बदले पांच बरस में शपथ लिया है तुमने पांच छह बार बेवफा निकले नितेश कुमार बेवफा निकले नितेश कुमार आखिर में चार में से और पढ़ता हूं मुलाजा फरमाए कि आज रब हमसे रूठा हुआ है असद भाई सुने आज रब हमसे रूठा हुआ है पहले रब को मनाना पड़ेगा और छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा वक्त के बादशाहों से कह दो वक्त के बादशाहों से इन जमी के खुदाओं से कह दो वक्त के बादशाहों से कह दो इन जमी के खुदाओं से कह दो जुल्म से पास आए नहीं तो फिर उम्र को बुलाना पड़ेगा जुल्म से वक्त के बादशाहों से कह दो इन जमीन के खुदाओं से कह दो जुल्म से आए नहीं तो फिर उम्र को बुलाना पड़ेगा जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं तरक्की हो वतन की तो तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बन कर चौकीदार बैठे हैं।